ठीक है दोस्तों, देखिए मैं चला के आपको दिखाता हूँ। कभी भी मौका इंसान को बार 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 नहीं मिलता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि बार बार मौका नहीं मिलता कोई चीज सीखने का या कोई काम करने का। और आगे करेंगे तो देखिए आगे जाएगा, तो कभी भी इन बातों पे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर आप देखते रहेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, सीखेंगे लेकिन आप में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हैंड ब्रेक यहाँ पे गिरा हुआ है, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तब भी स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीका है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक दोस्तों, जब भी आप जाते हैं फोरक्लिफ्ट ट्रेनिंग सेंटर में फोरक्लिफ्ट सीखने के लिए, तो वहाँ पर किन किन बातों पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि जो वहाँ पर एक टीचर होता है जो आपको सिखाता है, बताता है कि फोरक्लिफ्ट को ऐसे ऑपरेट करना चाहिए, फोरक्लिफ्ट को ऐसे ऑपरेट करना चाहिए, इन इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों देखिए, जब भी आप जाते हैं ना ट्रेनिंग सेंटर में, आप ट्रेनिंग लेने के लिए फोरक्लिफ्ट का, 3 टन का फोरक्लिफ्ट हो या 16 टन का हो या 10 टन का हो या 5 टन का हो या 7 टन का हो, जितने भी टन का फोरक्लिफ्ट है वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है ये कि जब भी आप जाते हैं सीखने के लिए तो वहाँ पे ध्यान सबसे ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर रखना चाहिए। देखिए अक्सर आज के डेट में एक दूसरे को लोग देख के ज़्यादा जलते हैं, ठीक है, बात पर गौर कीजिएगा आप लोग। अगर कोई अच्छा चलाने लगा तो उसको लोग लगते हैं देखने से खड़ा होके, ऐसे लगेंगे देखने, भाई ये देखने वाला काम आपको नहीं करना है, ठीक है, यहीं पे आप चुप करते हैं, गलती करते हैं और दिक्कत परेशानी फंस जाते हैं। इसलिए कि अगर मैं फोरक्लिफ्ट चला रहा हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पे, इसलिए कि आप अकेले तो नहीं है ना, वहाँ पे आप अकेले नहीं है, वहाँ पे और भी 10 लोग होंगे, 10 जगह के लोग होंगे, 10 दिमागें होगी, कोई जल्दी सीखता है, कोई कम टाइम में सीखता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, ठीक है, तो आप लगेंगे इसे खड़ा होकर देखने, आप खड़ा होकर देखते ही रहेंगे। तो अगर आप देखते रहेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, सीखेंगे लेकिन आप में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो फोरक्लिफ्ट ट्रेनिंग सेंटर होता है, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूट होता है, वो क्या बोलता है भाई, 15 से 30 दिन के अंदर, 15 से 30 दिन के अंदर इसलिए बोलता है कि जो 15 दिन बोलता है वो जो ड्राइवर लोग जिनको ड्राइवरिंग आता है ना, जिनको ड्राइवरिंग आता है, जो गाड़ी चला लेते हैं, उनके लिए वो 15 से 30 दिन बोलता है, उनके यानी कि उनके लिए 15 दिन होता है, ठीक, इसलिए उनको ड्राइवरिंग आ रहा है। उनको क्या सीखना है, केवल माल उठाना और लोडिंग करना, जो वर्किंग लीवर होता है, जिस लीवर से हम काम करते हैं, माल को उठाते हैं, ऊपर रखते हैं, नीचे करते हैं, अप डाउन करते हैं। तो दोस्तों 15 दिन उनके लिए होता है। 30 दिन क्यों लिखा जाता है, 30 दिन इसलिए लिखा जाता है कि जो लोग बिल्कुल जिनको ड्राइविंग भी नहीं मालूम है, प्लस काम कैसे करते हैं, लीवर का वर्किंग किस तरह होता है वो भी नहीं मालूम है, तो उनके लिए बोला जाता है 30 दिन। तो वही बोला जाता है 15 से 30 दिन के अंदर आप फोरक्लिफ्ट ड्राइवर बन सकते हैं, ऑपरेटर बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो टीचर है, जो हमको सिखा रहा है, वो क्या बता रहा है, ठीक है। दूसरा आपके बाजू में वो क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो टीचर है मुझे क्या बोल रहा है करने के लिए और किन किन बात पे ध्यान रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे बोलता है भाई कि आप चढ़ जाओ सीट के ऊपर, ठीक है ना, फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर जो है कि जो कुर्सी होता है, ये सीट होता है, तो इसके ऊपर चढ़ जाओ आप और ऐसे ऐसे स्टार्ट करो, तो आप जब चढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे मत चढ़िए, ऐसे मत चढ़िए, बहुत लोग ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के चढ़ते हैं, ये चढ़ने का तरीका नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए चढ़ने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर हैंडल लगा होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से इसको सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से चढ़िए आप ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे होता है हैंड ब्रेक, तो आपका ये जो पैर है ना, चढ़ते ये पैर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक, उसके बाद से आप हैंड ब्रेक को यहाँ से छुड़ाएँ, स्टार्ट करें। अगर हैंड ब्रेक यहाँ पर गिरा हुआ है, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तब भी स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीका है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो मेन बेसिक तरीका होता है, आदमी बैठते ही तुरंत इसको हैंड ब्रेक छुड़ाता है यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट कर देता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है, ये अभी गियर में लगा हुआ था तो मैंने इसको पीछे किया था, फिर स्टार्ट हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे हैंड ब्रेक छुड़ा दिए, ये होता है वर्किंग लीवर, ठीक, अगर आपका जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट वाला है, जो टीचर है जो सिखा रहा है, तो कैसे सिखा रहा है उन बात पर ध्यान रखिए। अगर वो बोलता है कि ये जो लीवर है यहाँ से पहला नंबर, ये आप इसको ऊपर कीजिए,
यानी कि इधर नीचे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, जैसे आप इसको नीचे करेंगे ना तो ये ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं लेना है, थोड़ा सा एक्सेलेटर देना है, एक्सेलेटर थोड़ा सा देना है, देखिए ऐसे। और ये हाथ हमेशा आपका यहाँ पे होना चाहिए, और ये हाथ हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। जो फोर्किफ्ट ऑपरेटर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उनको कभी भी देखिएगा उनका दोनों हाथ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। एक हाथ यहाँ पे रहेगा और ये जो दाहिना हाथ होता है जो राइट वाला, वो लीवर पे होता है। ऐसे ऊपर कीजिए, जस्ट इसको अगर आगे चला पैसे पुश करेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है ना। और ये जो होता है बाबू यहाँ दिखाना, ये जो होता है जो दूसरा नंबर लीवर, ये देखिए क्यों टर्न के लिए होता है, किसी माल को ऐसे पकड़ने के लिए होता है, ठीक है ना। ठीक, अगर बोलता है थोड़ा सा ड्राइव कीजिए, थोड़ा सा चलाइए इसको, तो आप ये जो है ना लीवर यहाँ पे, ये वाला, ये आगे करेंगे तो आगे जाएगा, और बीच में रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, पीछे करेंगे तो ये पीछे जाएगा, देखिए, ठीक है दोस्तों। और आगे करेंगे तो देखिए आगे जाएगा ये। तो कभी भी इन बातों पे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कि ये अगर गियर को आगे की तरफ लगा रहे हैं, आप आगे की तरफ लगा रहे हैं तो क्लच को दबाना है आपको, बिना क्लच दबे गियर नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसे भी लग जाएगा, देखिए ऐसे भी करेंगे तो जाने लगेगा, ऐसे भी लग जाएगा। लेकिन जो मेन फार्मूला होता है वही होता है कि क्लच को दाब के क्लच को दाब के फिर गियर लगाएं, ठीक है ना। इसलिए कि इस गियर जो बॉक्स होता है इससे झटका नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं चला के आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों। अभी मैं इसको बंद करूंगा, और दोस्तों देखिए जब भी आप बंद करते हैं तो स्टोक को, यानी ये जो प्लेट है आगे लगा हुआ है सिक्किन, उसको नीचे करके उसके बाद से इसको बंद करें। बंद करने के बाद उतरने से पहले, जब तक आप सीट पर बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उतरते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हैंड ब्रेक को लगाइए, ठीक है दोस्तों। हैंड ब्रेक पर लगाने के बाद उसके बाद से आप इस साइड से उतरें, यहाँ से इधर से उतरें, उधर से नहीं, उधर से ना चढ़ना चाहिए ना उतरना चाहिए। जगह रहता है चढ़ने के लिए, इमरजेंसी के लिए होता है, अगर ये जगह नहीं होता आदमी उधर से कर लेता है। लेकिन जो मेन तरीका होता है, यानी आपका, यानी राइट, आपका राइट, यानी आप ऑपरेटर हैं तो आपका राइट साइड, और ये जो फोरक्लिप होता है इसका लेफ्ट, ठीक है ना, यहाँ से लेफ्ट साइड से चढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी जो मैंने आपको बातें बताया है कि कुछ लोग होते हैं जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग थोड़ा दिन टाइम लगता है, तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी दूसरे को देख के आप जलिएगा नहीं, उसका बराबरी करना सीखिए कि हम और बराबरी करें और उससे आगे जल्दी सीखें हम, ठीक है। इसलिए कि जो वहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले रहते हैं वो सोचते हैं कि मैं एक आदमी मेरे पास आया है सीखने के लिए, फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर बनने के लिए, तो कितना जल्दी से जल्दी मैं उसको सिखा दूँ। दोस्तों उनका यही प्रयास होता है, उनका ये प्रयास नहीं होता कि अरे चलो यार लगा तो लगा रहे, ऐसा नहीं होता है। उनको ये रहता है कि मैं जल्दी सिखाऊंगा तो वो जल्दी बंदा सीख के और यहाँ से निकलेगा, फिर मैं उसके जगह पर दूसरा बंदा लेके आऊँगा, ठीक है। देखिए कभी भी मौका इंसान को बार 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 नहीं मिलता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि बार बार मौका नहीं मिलता कोई चीज़ सीखने का या कोई काम करने का या कहीं कमाने का, बार बार मौका नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, ठीक है। इसलिए कि दुनिया में केवल आप ही भर नहीं है, और भी लोग हैं, ठीक है, वो नंबर में लगे हुए हैं। इसलिए कि आप देखे होंगे यहाँ पे एक कतार लगा हुआ है लंबा सा, अगर कहीं फिल्म देखने जाते हैं या कुछ भी, एक लंबा सा लाइन लगा होता है, तो उस कतार में, उस लाइन में आप भी होते हैं, ऐसे जेब में हाथ डाल के खड़ा रहते हैं। तो एक आदमी जब मिलता है तो वहाँ से हटेगा तभी तो आप आगे जाएंगे ना, तो सेम वही सिस्टम होता है भाई, लोग कतार में लगे हुए हैं सीखने के लिए। तो कभी भी जब आपको मौका मिलता है ना, तो आप उस मौके को गंवाएं ना, आप अपना जितना भी फोकस होता है रात दिन जो भी है, ठीक है ना, एकदम फोकस अपना काम पे रखें, ताकि जल्दी से आप एक फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर बन के और बाहर जाए और कमाएं, कहीं भी गल्फ कंट्री भी जा सकते हैं या इंडिया में खुद कमा सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर दें प्यारा सा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का निशान आएगा उसको दबा के और उस पर आल लिखा होगा, आल पे सेट कर दे, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं फोरक्लिफ्ट के माध्यम से या किसी भी चीज़ के लिए, दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।